गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैव परफॉर्म कंप्रेशन टेस्ट ऑन कंक्रीट ब्रिक्स स्पेसिमेन। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट ब्रिक स्पेसिमेन यूजिंग यूटीएम। यूटीएम इज ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो इससे पहले जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इस पर हमने देखा था, यूटीएम पर हमने टेंसाइल टेस्ट किया था जो कि एमएस रॉड पर किया था अपने, माइल स्टील की रॉड थी, उस पर टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया था। तो जो मशीन को ऑपरेट करने का तरीका है वो सेम है, ये अपनी यूटीएम मशीन थी। इस पर ये इसके ये अपर जा थी, ये मिडिल और ये लोअर जा, जो भी अपन, ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन है। मशीन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रेशर रिलीज वाल्व है उसको क्लोज करते हैं। यहाँ पैनल होता है जो मशीन के लिए ऑन ऑफ स्विच लगे होते हैं, एक कंट्रोल वाल्व होता है जिससे कि अपन कंट्रोल जो फीड जो दे रहे हैं उसके लोड जो दे रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और साथ में ये एक लोड डायल गेज लगा होता है जिस पर अपन जो लोड वेरी होता है, जो जिस लोड पर अपन जो भी लोड लगा रहे हैं अपन, वो इस पर डायरेक्ट अपन मेजर कर लेते हैं। न्यूटन किलो न्यूटन दोनों ही स्केल होते हैं इसके ऊपर। और साथ में यहाँ एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्केल लगा होता है। जब हमने टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया था तो स्पेसिमेन को हमने मिडिल और अपर जा के बीच में लगाया था, क्योंकि तो जब इस पर ऑन करते हैं तो ये जो रैम लगी होती है इस पर, ये जो नीचे वाली जा है ये स्लाइड करती है और इस पर हाइड्रोलिक फोर्स जो लगता है जिससे ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। तब ये लिफ्ट करता है और ये बीच में जो है, ये जो जा होती है ये अपनी मिडिल वाली जा, ये फिक्स होती है और जब ये लिफ्ट करता है जिससे कि अपर जा ये लिफ्ट होती है। ठीक है, अब जो हम कंक्रीट जो क्यूब ब्रिक्स का जो टेस्ट करेंगे वो हम स्पेसिमेन रखेंगे लोअर जा और मिडिल जा के बीच में। यहाँ ये जो एनवल दिख रहा है इस टेबल पर अपन उस ब्रिक्स को रखेंगे और इसको लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करेंगे तो ये फिक्स जाए, इससे टच हो जाएगा यहाँ, और जब इसको और लोड लगाएंगे अपन तो ये इसको क्रशिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी इससे चेक कर लेते हैं अपन। इसको कंप्रेस करेगा तो लोड जो भी आएगा वो इस डायल गेज पर डायरेक्टली अपन मेजर कर लेते हैं। तो प्रोसेस जो है करीब सेम ही है जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में हमने पढ़ा था। सो ब्रिक्स आर यूज्ड मोस्टली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लोडिंग लोड बेयरिंग वॉल्स। इन लोड बेयरिंग वॉल्स टोटल वेट फ्रॉम स्लैब एंड अपर फ्लोर कम्स डायरेक्टली थ्रू ब्रिक्स एंड देन इट इज़ ट्रांसफर टू द फाउंडेशन। इन दिस केस ब्रिक्स आर लोडेड विथ कंप्रेसिव नेचर ऑन द फोर्स। इसलिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी चेक करते हैं क्योंकि इस पर जो फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो नेचर होता है वो कंप्रेसिव टाइप का होता है। हैंस फॉर सेफ्टी मेजरमेंट बिफोर यूजिंग द ब्रिक्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे हैव टू बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी फॉर देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव फोर्स बाई नेचर, इस पर किस कंप्रेसिव फोर्स लगता है नेचर वाइज इस पर, तो कितना इस पर लोड लगेगा, ये कितना स्ट्रेंथ कंप्रेसिव ले पाएगी, इसके लिए अपन इसको इस चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस ब्रिक्स की निकाल लेते हैं। इट इज़ ए एक्चुअल प्रैक्टिस टू वेट द ब्रिक्स बिफोर यूजिंग देम फॉर कंस्ट्रक्शन। द रीजन बिहाइंड दिस टू अवॉइड द एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम मोर्टर बाई द ब्रिक्स। However, this weighting of bricks should not affect the strength of the bricks adversely. Therefore, compressive testing done on this experiment in done both die as well as weight bricks samples. जो इसका procedure है, procedure में to take a concrete bricks, to take a concrete bricks specimen with uniform shape and size, measure its dimension, इसकी length, width और height जो है उसकी measure कर लेते हैं, place the bricks on the lower platform of UTM and bring the upper platform to contact with the top portion of the bricks,
उसके लोअर फोरआर्म पर लग के उसको लिफ्ट करेंगे लोअर आर्म को उसकी, और उसके मिडिल आर्म से जो ऊपर ली है उस वहाँ तक उसको टच करवा देंगे। सेट द लोड पॉइंटर टू द जीरो, अप्लाई हाइड्रोलिक प्रेशर अंटिल द स्पेसिमेन क्रैक अंडर कंप्रेसिव लोड। एट द टाइम ऑफ फेलर नोट द वैल्यू ऑफ लोड। सो इस टाइप से कैलकुलेशन अपन करेंगे। ड्राई सैंपल लेंगे पहले, तो क्रशिंग लोड जो फेलर हुआ उसको निकाल लेते हैं, एरिया आ जाएगा उसका, इससे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो थी डब्ल्यू बाई ए करके उसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही ड्राई सैंपल लिया था वही वेट सैंपल ले लेते हैं और उसका लोड निकाल लेते हैं, इसका एरिया आ जाएगा, इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। रिजल्ट हमारा दोनों का हम कंपेरिजन कर लेते हैं कि ड्राई और वेट कंक्रीट ब्रिक्स के स्पेसिमेन से कितनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। सो दिस इज अवर कंप्रेसिव टेस्ट ऑन कंक्रीट ब्रिक्स। थैंक यू स्टूडेंट। जैसे टेंसाइल टेस्ट हमने पहले करके दिखाया, इसके बाद बताता हूं कंप्रेसिव टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों ये हमारा मशीन है जिसका नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में दोस्तों कंप्रेसिव, टेंसाइल, शेयरिंग, बेंडिंग, ये चारों जो स्ट्रेसेस होता है जो नॉर्मली आयरन के अंदर मेटल के अंदर, वो चारों स्ट्रेसेस इसी मशीन के थ्रू किया जाता है। दोस्तों ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, इसमें चारों स्ट्रेसेस होता है। दोस्तों अलग अलग सेक्शन, दोस्तों ये जो सेक्शन आपके सामने दिख रहा है इसका नाम है कंट्रोल सेक्शन। दोस्तों ये कंट्रोल सेक्शन में लोड कितना लगाना है, कितना रीडिंग आएगा, यील्ड पॉइंट कहाँ आएगा, स्ट्रेसेस कहाँ जनरेट होगा, विस्काउंट क्या है, ये सभी चीज के डायल गेज के अंदर देखता है। दोस्तों इसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 400 किलो न्यूटन। दोस्तों इसको अलग अलग सेट करने के लिए जैसे 200 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, जैसा जैसा ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ, उस हिसाब से लिस्ट काउंट भी चेंज होता है। दोस्तों ये हमारा ओपन करने के बाद ओपन करने वाला वाल्व है, इसको ओपन करते बराबर हमारा ओपन हो जाएगा। ये हमारा रिवर्स करने के लिए है, जो हाइड्रोलिक ऑयल हमारा लोडिंग सेक्शन में जाता है उसको रिवर्स करने के लिए ये वाला बल्ब है। इसके अंदर एक बल्ब है जो खोलते बराबर हाइड्रोलिक ऑयल उधर चला जाता है और घर से हाइड्रोलिक ऑयल इधर आ जाता है। ये ग्रीन वाला जो स्विच है दोस्तों ये ऑन करने के लिए है, जो हाइड्रोलिक ऑयल जिसके अंदर मोटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, उसको ऑन करते हुए हाइड्रोलिक ऑयल हमारा लोडिंग सेक्शन में जाना शुरू होता है। ये ग्रीन वाला बटन और ये रेड वाला बटन होते हैं, बंद करते बराबर जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल जा रहा था जिप मोटर के थ्रू वो बंद हो जाएगा। ये दोनों स्विच जो है एडजस्ट करने के लिए है, ये ऊपर उठाने के लिए, ये नीचे लिए। मतलब हमारा जो इंटरमीडिएट है, जो लोडिंग सेक्शन में तीन तीन ऑप्शन होता है, अपर हेड, इंटरमीडिएट हेड, लोअर हेड। जो अपर है इंटरमीडिएट हेड जो लीड स्क्रू के साथ कनेक्टेड है, जो मैकेनिकली डिवाइसेस है, जो मैकेनिकली नट एंड बोल्ट का स्पिन एडजस्ट करने के लिए ये स्विच यूज किया जाता है, अप डाउन जैसा भी एडजस्ट करना है उसे। दोस्तों मैं इसके फिट कर दिया दोस्तों, लोड अपना गया। इसके बाद ऑपरेशन करके आपको बताऊंगा जे स्ट्रेस कितना है, बेन कितना है, यंग मॉडुलस कितना है, ये सभी चीज आपको साथ में मैं कैलकुलेशन करके बताने वाला हूँ। दोस्तों इसको मैंने 2 मिनट इसलिए चला लिया कारण इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है जिसके अंदर फ्लो होता है वो उतना तुरंत वाल्व खोलने से वो फ्लो नहीं आता है, इसलिए सबसे पहला काम होता है थोड़ा टाइम 2-4 मिनट उसको कंटिन्यू चला लीजिए। चलाने के बाद उसका जो हाइड्रोलिक ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो आपस में मिक्स हो जाएगा, एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जैसे ही वाल्व खुला जाएगा तुरंत उसका फ्लो आपके सामने दिख जाएगा। दोस्तों हमने कंक्रीट ब्लॉक लगा के रखा, जो कंक्रीट ब्लॉक का रीडिंग आपके सामने आने वाला है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों तो मैं हमारा जो ओपन वाल्व है उसको मैं ओपन कर दिया, हमारा रीडिंग चालू हो गया। दोस्तों ये आपके सामने दिख रहा है, अभी हमारा रीडिंग चालू हो गया दोस्तों, ये रीडिंग चालू हो गया दो सौ चालीस किलो न्यूटन लोड लगा। जो हमारा ब्लॉक था 70 mm × 70 mm का जो ब्लॉक था वो ब्लॉक को फ्रैक्चर करने के लिए हमारा जो लोड लगा है 280 किलो न्यूटन। जो और भी मैं आपको पास से दिखाने को ये स्मेश थ्रू, इसके बाद मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाने वाला हूँ जो कैसे होता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, हमारा कंक्रीट ब्लॉक है दोस्तों, ये आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। जिसका एरिया है वो है हमारा एरिया का फॉर्मूला है, एरिया है 70 × 70 mm, ये हमारा एरिया है दोस्तों, ये इसमें से कोई डाउटफुल नहीं है। इसमें जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर मान रहा है तो होता है 4.9 × 10 to the power minus 3
मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये मिलीमीटर था, डायरेक्ट हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आता है लोड। लोड जो है हमारा जो आया है वो है 280 किलो न्यूटन, मतलब 280 × 10³ न्यूटन। हम दोस्तों इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, कारण मेरा गीगा पास्कल में हमारा कैलकुलेशन होगा, इसलिए हमने उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद होता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना हो गया हमारा, लोड हो गया 280 × 10³ डिवाइड बाय एरिया 4.9 × 10⁻³। तो इसे कैलकुलेशन करें, हम कैलकुलेटर मार के देख 57.14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा स्ट्रेसेस आ गया है जो हमको दिखाया। इसके बाद जो ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल जो है दोस्तों हमारा 70 mm था, तो उसका मैक्सिमम कॉम्प्रेस जो है 1 mm कम होता है, तो इसलिए ट्रेन का जो फॉर्मूला लगता है डेल्टा एल बाई एल, मतलब 1/70 = 0.14। दोस्तों ट्रेन में यूनिट नहीं होता है, कारण ऊपर में भी मीटर है नीचे भी मीटर है, इसलिए मीटर से मीटर काट जाता है तो हमारा सब खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो है ई होता है दोस्तों, इसका होता है फॉर्मूला स्ट्रेस अपन ट्रेन। स्ट्रेस जो है हमारा 57.14 और 0.14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये हमने पूरा कैलकुलेशन आपके सामने दिखाने की कोशिश किया, ये हमारा कैलकुलेशन है।